दोस्तों, वेलकम बैक टू बाइक स्पेयर मार्केट स्टोर। मैं विशाल यादव फिर से आ गया हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और नए नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है ये काफ़ी स्पेशल है और ये मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप जेजी 70 वेट ओन करते हैं या इन फ्यूचर आपको लगाना है तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। 1 सेकेंड, आप देख सकते हैं ये जो जेजी 70 वेट आती है, ये मॉडल का जो वेट है इसमें थोड़ा एक इशू फेस करना पड़ता है। क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये मॉडल को आप ऐसा लगाते हैं तो ये राइट नाउ तो लग जाएगा, लेकिन 3-4 महीने में जो इसके क्लैंप हैं वो ब्रेक हो जा रहे हैं। बहुत सारे मतलब लोगों को फेस करना पड़ रहा है। अभी ऐसा एकदम फ्रेंकली बोलूँ आपको तो 3-4 कस्टमर के साथ हो चुका है हमारे भी। और ये होता क्या है बाद में कि लाइक इसके क्लैंप्स वगैरह नहीं मिलते, ना क्लैंप्स मिलते हैं, तो होता क्या है कि इसको कस्टमाइज़ कराना पड़ता है, फैब्रिकेशन कराना पड़ता है। तो हमने 2-3 कस्टमर को फैब्रिकेट करके दिखाया है, मीन्स दिया है उनको। और दूसरा चीज़ ऐसा है कि अभी राइट नाउ हमारे पास एक हिमालयन 411 आई है और नीचे उसका काम चालू है इंस्टॉलेशन का। तो उनको भी, सर को भी हमने सजेस्ट किया कि सर आप ऐसा माउंट मत कीजिए, आपको कुछ अलग टाइप से माउंट कीजिए। तो उसमें फॉग लाइट विथ हार्नेस और क्लैंप, ये तीनों चीज़ें इंस्टॉल की जा रही है। और वो कैसे इंस्टॉल की जा रही है और क्या गाइडेंस देखा जा रहा है, उसको ध्यान दिया जा रहा है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और उसके लिए व्लॉग शूट कर रहा हूँ और उसमें हम कौन सा क्लैंप यूज़ कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मोटोजीनियस का क्लैंप आता है, मोटोजीनियस ब्रांड का है। 360 रोटेट होता है हर साइड से प्रॉपरली एकदम, कहीं पर भी आपको माउंट करना है तो वहाँ पर माउंट हो जाता है। राइट नाउ ये क्लैंप हम उस वहाँ गाड़ी में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो मैं आपको बोला था ये टाइप में कुछ माउंट होता है। ये जो क्लैंप है इसको कहीं पे भी माउंट कर सकते हैं, इसका प्लस पॉइंट ये है। और यहाँ पे ये क्लैंप यूज़ करने का प्लस पॉइंट क्या है, आप स्ट्रेट लगा सकते हैं। वो क्लैंप में क्या हो रहा था, आपको डाउन साइड से लगाना पड़ता था, यहाँ का जो स्पेस होता था वो कम हो जाता था। अब ये लगाने का बेनिफिट वही है कि जो इसके क्लैंप्स है वो क्रैक नहीं होते, इसलिए हमने इसे ऐसा माउंट किया है। और पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा कम्प्लीट हो चुका है, अभी मैं इसे ग्लो करके दिखाता हूँ आपको। चालू कीजिए, दूसरा मोड, तीसरा, बंद कर दो। जो फाइनली इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस था पूरा कंप्लीट हो चुका है। और लाइक जो ये व्लॉग शूट करने का मेन रीज़न यही था कि जो क्लैंप टूट रहे हैं तो ये ना हो और बहुत सारे कस्टमर को इसको फेस करना पड़ा है, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट था, किसको भी आइडिया नहीं था। बट मैंने बोला जितने शॉर्ट टाइम में आपको तक ये अपडेट पहुंचा सको बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। और अदरवाइज़ ये फॉगलेट रिलेटेड कुछ भी क्यूरीज रही आपको तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।